वेलकम व्यूअर्स, आज मैं हरी मिर्च और लीमू के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है लेमन 1 kg और ग्रीन चिलीज हैं 1/2 kg। ये देखें बिल्कुल ड्राई है और ये साइज लिया मैंने हरी मिर्चों का। और इसके लिए जो हमें मसाला चाहिए वो है नमक 1 खाने का चम्मच भरकर, कलवंजी 1 खाने का चम्मच भरकर, राई दाना 1 खाने का चम्मच भरकर, सौंफ 3 खाने के चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच भरकर, भुना कुटा सूखा धनिया ये 2 खाने के चम्मच भरकर। अगर आपके पास भुना कुटा नहीं है तो आप साबुत भी ले सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच और सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच। अब सबसे पहले मैं लेमन और ग्रीन चिलीज की कटिंग करती हूँ। एक कटिंग बोर्ड ले लिया मैंने और अब इसके ऊपर रखकर मैं लेमन कटिंग कर लूंगी। लेमन को मैंने धो के और ड्राई कर लिया था। लेमन गीले नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर आप अचार में कोई भी चीज गीली करोगे तो आपका अचार खराब हो जाएगा। इस तरह से कर लें। आपकी अपनी मर्जी है, आपने 2 करने हैं या 4 करने हैं। ये देखें ये 4 भी करके आपको बता देती हूँ और 2 भी। लेमन का साइज छोटा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मेरे पास अब ये एक लेमन छोटा आ गया तो मैं ये करूंगी इसके 2 कर लूंगी। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है 1 के 2 करने हैं या 1 के 4 करने हैं। मैं इसी तरह से सारी कटिंग कर लूंगी। ये देखें मैंने लेमन की सारी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट करूंगी। एक बाउल ले लिया और इसके अंदर सारे मैं लेमन डाल दूंगी। सारे लेमन मैंने डाल दिए। अब मैं हरी मिर्चों की कटिंग करूंगी। ये देखें ये मैं अब ग्रीन चिलीज ले रही हूं। ग्रीन चिलीज ले लिया, अब ये ग्रीन चिलीज की मैं कटिंग कर लूंगी इस तरह से करके। एहतियात से कीजिएगा, एक तो सबस मिर्चें हाथ को लगती भी हैं और छुरी भी ना लगे आपके हाथ को। ये देखें ये मैंने 4 कर लिए। इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें 2 बिल्कुल ही सेपरेट भी कर लें, इस तरह भी कर लें। ठीक है, अपनी चॉइस है, इस तरह कर लें, गोल कर लें, लंबाई में कर लें, 1 के 4 कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं। आप सिर्फ हल्का सा ये कट लगा के जिस तरह से हम मिर्चों को भरते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैं इस तरह से करके मैं रखती जाऊंगी। ग्रीन चिलीज में बेहतरीन मकदार में विटामिन सी पाया जाता है। लेमन भी बहुत अच्छे हैं, लेमन के आपकी फादियत देखो। आप इसको लेमन जूस नहार मुंह गर्म पानी में डाल के साथ हनी लो तो इससे आपका वेट लॉस होता है, मेदे के अमराज भी ठीक होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है और जिसका पेट का मसला है वो भी ठीक होगा। मैंने हरी मिर्चों की भी सारी कटिंग कर ली है, अब मैं इसको भी बाउल में शिफ्ट करूंगी। एक बाउल ले लिया और सब सब्ज़ मिर्चें मैं इसके अंदर डालूंगी। हरी मिर्चें भी काट के रख दी है और लेमन भी कटिंग करके रख दी है। अब मैं इन मसालों को पीसती हूँ। एक कॉफी ग्राइंडर ले लूंगी और इसको खोलूंगी और इसके अंदर अब हम जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताने लगी हूँ। सौंफ डाल दूंगी इसके अंदर, अजवाइन डाल दूंगी, सफेद जीरा साबुत डाल दूंगी, मेथी दाना डाल दूंगी, राई दाना डाल दूंगी, कलवंजी डाल दूंगी। ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, ये देखें ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं इसको बंद करके पीसती हूँ। अब मैं इसको पीसने लगी हूँ। बस इतना ही पीस में दरदरा सा करना है। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। खोल के मैं दिखाने लगी हूँ। ये देखें इतनी मजे की खुशबू आ रही है, बस इतना सा दरदरा सा करना है,
अब इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो मैंने मसाला पीसा है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। भुना कुटा सूखा धनिया जो है वो डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी और कुटी लाल मिर्च ये ऐड कर दूंगी। एक बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर ये जो मसाले हमने दरदरे से करके पीसे हैं ये सारे ऐड कर लूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। एक बाउल ले लिए और इसके अंदर अब मैं सब्ज मिर्च ऐड कर दूंगी और लेमन ये डाल दूंगी अंदर और इसके अंदर हाफ कप विनेगर डाल दूंगी। कोई सा भी आप विनेगर डाल दे, मैंने व्हाइट विनेगर लिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। विनेगर मैंने इसलिए डाला है, एक तो अचार की शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा रहती है, अचार खराब नहीं होगा। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं हाफ कप। मैंने विनेगर डाला है, आप विनेगर भी डाल लो और लेमन जूस भी, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल आप डाल सकते हो। अब मैंने जो मसाला पीस के रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। वन टीस्पून हल्दी भी डाल देंगे और इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से, क्यों विनेगर भी डाला था उससे भी हमारा मसाला गीला हो गया। लेमन हमने कटिंग करके रखे हुए हैं, लेमन का भी अपना जूस होता है, तो इस वजह से हमारा मसाला देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। सारा मसाला हमारी हरी मिर्चों और लेमन के अंदर लग गया है। अब मैं एक बॉटल लूंगी और इसके अंदर अब मैं सारा अचार डाल दूंगी। इस मर्तबान में बिल्कुल भी पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप एयर टाइट में डालेंगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा, सालों चलेगा। ये देखें इस तरह से करके, इस तरह से कितना जबरदस्त सा हमारा अचार इस बॉटल के अंदर डल गया है। ये देखें ये बॉटल के अंदर मैंने सारा अचार इस बॉटल के अंदर मैंने भर दिया। अब सरसों का तेल मैं इस जार के अंदर डाल दूंगी। सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, वो ऑलरेडी मैंने पहले करके रख लिया था और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ये सरसों का तेल ऐड कर दूंगी। आप इसको रूम टेम्परेचर पर डाल लीजिएगा, गर्म गर्म मत डालिएगा ये चार वरना आपका खराब हो जाएगा। लेकिन ये झटपट मैंने विनेगर डाला है और ये फौरन फौरन खाने वाला है। अगर आप इसको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के और फुल उसके अंदर आप ऑयल डाल दें कि अचार आपका डूबा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।